हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की फर्स्ट सैलरी के बारे में कि पहली सैलरी कितनी मिली है, और मैं आपको स्लिप के साथ दिखाऊंगा इसमें और उसमें बताऊंगा कि कितना रुपए किस चीज़ का मिलता है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक महीने की सैलरी जो है मैं आपको इसमें स्लिप दिखाने वाला हूँ, जो कि अगस्त महीने की थी। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ का कितना रुपया और टोटल कितनी सैलरी यहाँ पर मिली है। तो आपको पूरी स्लिप मैं आपको दिखाता हूँ और एक एक करके यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, ये जो है सैलरी स्लिप है और यहाँ पर 31 दिन का ये सैलरी है, यानी एक महीने की सैलरी मिली हुई है। और टोटल की अगर बात करें तो यहाँ पर नेट पे की बात करें तो यहाँ पर आई है 25,659 रुपये। और कितना रुपया किस चीज़ का मिला ये और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर यहाँ पर आपको दिख जाएगा 18,000 रुपये यहाँ पर बेसिक पे है, 1800 ग्रेड पे की जो जॉब है ये, तो इसमें बेसिक पे कितना है 18,000। डीए आपको मिल जाता है, डियरनेस अलाउंस मिल जाता है 2160 रुपये यहाँ पर। एचआर आपका मिल जाता है यहाँ पर स्मॉल सिटी के हिसाब से 1800 रुपये है, यहाँ पर 1800 रुपये एचआर है, एचआर। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 1008 रुपये यहाँ पर मिला हुआ है। और रिस्क अलाउंस मिलता है ट्रैक मेंटेनर को, तो यहाँ पर है 2700 रुपये। ये ठीक से दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पर 2700 रुपये लिखा हुआ है। इसका आप टोटल करेंगे तो 25,668 रुपये यहाँ पर टोटल है, ग्रॉस पे है। और जो कट फिट के कितनी बची है, यानी अभी एनपीएस नहीं कटा है, अभी वैसे ही कुछ कटा है, तो ये बची है 25,659 रुपये। ये जो है सैलरी है, और सैलरी महीने के 29 या 30 तारीख में आ जाती है। ये जो सैलरी थी वो 30 तारीख में आ गई थी, यानी 30 अगस्त को सैलरी आ गई थी। और आपको एक चीज़ और इससे रिलेटेड बता दूं कि जो रेलवे है वो 15 दिन एडवांस सैलरी दे करके चलता है, मतलब 15 तारीख से 15 तारीख तक का यहाँ पर पेमेंट होता है रेलवे में, 15 से 15 तक का पेमेंट यहाँ पर होता है। सैलरी जो है वो 30 या 29 में ही आती है, ठीक है, लेकिन आएगी 15 से 15 तक की। अब मैंने 1 अगस्त से ज्वाइन किया था, तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक की ये सैलरी मेरी आई थी, ठीक है, यानी मैंने 15 दिन यहाँ पर वर्क किया। और रेलवे 15 दिन एडवांस सैलरी देता है, तो इसलिए हो जाता है पूरा एक महीना, ओके। तो इसलिए पूरा एक महीना हो जाता है यहाँ पर, यानी 15 दिन एडवांस आई है, 15 दिन की सैलरी एडवांस मिली है, और 15 दिन मैंने यहाँ पर वर्क किया था। यानी रेलवे जो सैलरी देता है वो 15 तारीख से 15 तारीख तक देता है, इसलिए यहाँ पर 15 दिन एडवांस किया था। तो इस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं एक महीने की सैलरी जो है कितनी आई है, 25,659 रुपये। तो इसमें यही दिखाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।